पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर पुलिस ध्वज की गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक अपराध इंदु प्रभा सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी कैंट मानुष पारिक व अन्य अधिकारी व कर्मचारी गण मौजूद रहे। 1952 को तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पुलिस कार्य के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुलिस झंडा दिवस 2023 स्थापित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पीएसी महिला बटालियन की स्थापना की गई है। प्रत्येक जनपद में महिला थाना और अतिरिक्त एक अन्य थाने पर महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति की गई है। कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुविधा हेतु 100 पिंक बूथ की स्थापना की गई है। प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुंचाने के लिए राज्य आपदा मोचन बल SDRF मादक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स ANTF के गठन के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 18 शाखाएं क्रियाशील हैं। वर्तमान में 18 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना की गई है एवं 57 जनपदीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थानों की स्थापना से संबंधित कार्रवाई प्रचलित है। साइबर जागरूकता कैंपेन व प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। माननीय